आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमाए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब चाहते हैं क़यामत के दिन हमें नूर मिले, हम बेनूर ना रह जाएं, तो हमें दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ यकीनन एक बड़ा कमाल का अमल है, बहुत शानदार इबादत है। दुआ के बारे में कुरान पाक की आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अहदीस में नबी पाक ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़्ज़ है। बेशुमार वाक़यात दुआ की कबूलियत के मिलते हैं और इसके साथ साथ उलमा ने कई जगहों पर दुआ की कबूलियत के असबाब भी लिखे कि दुआ किन किन चीज़ों से कबूल होती है, किन किन औक़ात में कबूल होती है, किन किन वक्तों में कबूल होती है, किन किन मकामात पर कबूल होती है, और दुआ से पहले क्या किया जाए कि दुआ हमारी मकबूल हो जाए। तो हम नॉर्मली दुआ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दुआ एक बड़ी कमाल की इबादत है। मगर आज मेरा जो मौजू है कि दुआ तो वैसे भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में माँ बाप की दुआ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि वालिदैन की दुआ का असर कितना होता है, और फिर खुदा ना खास्ता वालिदैन को कोई तकलीफ दे दे तो फिर वालिदैन की ज़बान से अगर बददुआ निकल जाए तो वो कितनी बड़ी हलाकत का बाइस बन जाता है। तो आज तवज्जो के साथ आपने इस बयान को सुनना है ताकि इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीख सकें। आज इंशाल्लाह हम मुख्तसर वक्त में माँ बाप की दुआ का हम पर क्या असर हो सकता है और बुज़ुर्गों के कुछ वाक़यात सुनेंगे जिससे हमें ये पता चले कि बुज़ुर्गान दीन कि जब दुआएं मिली उनको तो उन दुआओं ने उनकी ज़िंदगी में क्या असर डाल दिया और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा रखा, ताकि हम सबको इस मामले की कुछ कदर हो। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में, उनके एक भाई थे। आप रहमतुल्लाहि तआला और आपके भाई में यह तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जो है वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर लें और मैं इबादत कर लूँ, तो आपने इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो मैं माँ की खिदमत कर लेता हूँ, और ख़ुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जू ही इबादत की तो गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूँ, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफैल तुम्हारे भाई के तुफैल तुम्हें बख्श दिया गया, तो ये क्या वजह है, मेरी मगफरत उसके तुफैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला, कितना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं,
सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी, आंख खुली तो आवाज देकर कहा, ओवैस पानी पिला दो। सैयद ओवैस से करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुंचे। माँ बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हैं, हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास कि माँ उठेंगी जब पी लेंगी, मगर ये वैसे करनी थे। माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हजरत वैसे करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए हैं। कहा, लगते जिगर ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे। कमा, इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फरमा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की सुनो, ऐसी माँ ने दुआ की कि माँ ने कहा कि यानी आपके दर्जों की बुलंदी की ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद फरमा दिए। आए हाय हाय, देखो ना हजरत वैसे करने का फिर नाम कैसा हो गया। एक और बड़ा नाम, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े बड़े नाम वालों का अंदाज देखो अपने माँ बाप के साथ कैसा था। उनके साथ क्या हुआ कि एक रात इसी तरह वालदा ने पानी मांगा, पानी लेकर आए, वालदा को नींद आ गई। अच्छा, ये बड़ी ठंडी रात थी, सर्दियों की रात थी। कहते माँ के सिराने प्याला लेकर खड़ा हो गया, लेकिन हुआ ये कि पानी जो है मेरे हाथ पर जो गिरा था वो हाथ पर पानी जम गया, यानी इतनी ठंड थी। माँ की आँख खुली, कहा, ऐ बायजीद क्यों खड़े हो। कहा, माँ आपको पानी पेश करना था, जब प्याला अपने हाथ से अलग किया थोड़ी सी खाल भी उखड़ गई, थोड़ा सा खून भी बहने लगा क्योंकि पानी बर्फ़ बन चुका था। अल्लाह अकबर, माँ ने बड़ी दुआओं से नवाजा। इसी तरह एक रात वालदा ने उनको हुक्म दिया कि दरवाजे का एक पट खोल दो, लेकिन रात भर में इस परेशानी में खड़ा रहा कि दायां दरवाज़ा खोलूँ या बायां दरवाज़ा खोलूँ, क्योंकि अगर उनकी मर्ज़ी के बग़ैर मैंने खोल दिया तो कहीं हुक्म अदूली ना हो जाए। एक मरतबा बायज़ीद बिस्तामी की वालदा मोहतरमा ने आपको मकतब भेजा। सूरह लुकमान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, अनिश्कुरली वली वालिदई का, अल्लाह अकबर। इसका माना पता है क्या है? इसका माना बनता है ये कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का। तो कहते हैं जब वो आयत पढ़ी तो उस्ताद साहब से कहते हैं कि मैं जरा वालदा से मिलने जाना चाहता हूं। ड्यूरिंग क्लास दर्जा लगा हुआ है, आयत पढ़ी, तर्जमा पढ़ा, का माँ के पास जाना है। दर्जा छोड़कर माँ के पास आ गए। अब माँ पूछती है कि बेटा क्यों आए हो, तो आप कहते हैं कि माँ मैंने आज कुरान पाक में पढ़ा है कि माँ बाप का हक पूरा करना है, तो मेरी अर्ज यह है कि दो जगहों पर मैं खिदमत नहीं कर सकता, या तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हमेशा के लिए मांग लीजिए, अपनी खिदमत में रख लें, या अल्लाह के हवाले कर दो ताकि उसकी इबादत में लगा रहूँ। माँ ने फरमाया, बेटा मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह के लिए आज़ाद करती हूँ, अपना फर्ज भी तुझे माफ करती हूं, जा रब की इबादत में मसरूफ हो जा। ये मां की खिदमत थी जिसने हजरत बायजीद को बायजीद बिस्तामी बना दिया, और वो मां भी कैसी थी जिसने अपने हक माफ किए और बेटे को दीन के लिए वक्फ कर दिया। गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी तो जीलान से बगदाद जाना चाहते थे। माँ से कहा कि माँ मैंने इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद जाना है। अच्छा, ये आजकल जो ट्रैवल है ना, अब तो ट्रैवल बहुत आसान है, बंदा सुबह कहीं होता है शाम कहीं होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ट्रैवल बड़ा मुश्किल, बीच में बड़ा जनाब डाकू आते थे, घाटियां आती थी, बल्कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं। अब यहाँ जो बुज़ुर्ग बैठे हैं इनसे पूछें, 1950-60 में जो लोग हज पे जाते थे, 5-5, 6-6 महीने का सफ़र होता था। हैं, गाड़ियों में जाते थे, बसों में, पाकिस्तान से बस जाती थी हज के लिए, और जनाब कई लोग तो वापस ही नहीं आ पाते थे क्योंकि इतने मुश्किल रास्ते, बीमार हो जाते थे, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये तो मैं आपको 50-70 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सदियों पुराना सफ़र कैसा होता होगा। तो गौसे पाक की माँ ने आपको क्या कहा कि बेटा ठीक है, अब जाओ, अब हमारी महशर में मुलाकात होगी। माँ ने उनका हक माफ़ कर दिया कि मेरी खिदमत ना करो, दीन की खिदमत करो। कैसे माँ बाप थे। और फिर क्या नसीहत की थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना। वाकया याद है ना कि जब डाकुओं ने आपको पकड़ा और आपने अपना माल बता दिया, और क्यों बताया कि माँ से वादा किया है हर हाल में सच बोलना, माल जाता है तो चला जाए। वो डाकुओं का सरदार रोने लगा कि तुम माँ से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हो, मैं भी अपने वेब से कितने वादे किए, मैं क्यों पूरे नहीं करता। पूरे डाकुओं ने तौबा कर ली और माल भी वापस लौटा दिया।
मगर ये माँ बाप की खिदमतें थीं, ये माँ बाप की दुआएं थीं। मैं तहदीस नेमत के लिए अपने वालिदैन की एक बात यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ, शायद और वालिदैन को इसमें तरगीब मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों यानी अम्मी अब्बू दोनों ने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि हमने आपको अपना हक माफ़ कर दिया है, आप जाइए दीन का काम कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं बैठ पाता था, ट्रैवल काफ़ी होता था, सफ़र काफ़ी होता था, लेकिन मैं कभी कभी उनसे कहता था कि मैं आपकी इतनी खिदमत नहीं कर पाता, तो उन्होंने यही कहा कि हमने आपको अपना हक माफ़ किया, आप दीन की खिदमत कीजिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां बच्चों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वालिदैन का अदब करें, उनकी दुआएं लें, लेकिन अगर माँ बाप देखें ना कि बेटा अगर दीन की तरफ जा रहा है, अगर दीन का बड़ा काम कर रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा कि कोई बच्चा आलिम बनना चाहता है, हाफिज़ बनना चाहता है, दीन का काम करना चाहता है, वालिदैन उसका उल्टा दिल तोड़ रहे होते हैं, सख्ती कर रहे होते हैं, नहीं नहीं तुम्हें दीनदार नहीं बनना है। और हमने देखा कि ऐसे वालिदैन आगे जाकर सर पकड़ कर बैठे होते हैं, क्योंकि जब बच्चे को दीन से आप रोकते हैं तो वो दुनिया में ऐसे गर्क हो जाता है कि बाज़ औक़ात बुरी लाइन में पड़ जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, और माँ बाप उसके बाद सर पकड़ के रो रहे होते, दीनदार बनना चाहता था, मैंने दीनदार ना बनाया। देखो दीनदार और दुनियादार की मिसाल समझ लो, ये मैं सबके लिए नहीं कहता मगर मेजॉरिटी ऐसा होता है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबको ये लागू नहीं होता है मगर अक्सरियत पर यह जरूर लागू होता है कि जब भी बच्चा दुनिया में तरक्की करता है ना, दुनिया को कोई बड़ा अफसर बन जाए, दुनिया में जनाब कोई बड़ी डिग्री ले ले, दुनिया में कोई बड़ा मकाम ले ले, तो बाज़ औक़ात माँ बाप डरते हैं कि बच्चे को कोई बात बुरी ना लग जाए। बात करते में माँ बाप को डर लग रहा होता है, क्योंकि बड़ा अफसर बन गया, बड़ा सेठ बन गया, बड़ा जनाब जागीरदार बन गया, उसने बड़ी डिग्रियां ले ली हैं। यह है दुनियादार की तरक्की का नतीजा। और अगर बेटा दीन में तरक्की कर जाए ना, हैं आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, दीन का मुबल्लिग बन जाए, तो अक्सरियत ये होती है कि बच्चा डरता है कि माँ बाप को बुरा ना लग जाए। फ़र्क है ना, वो इतना बड़ा मुफ्ती भी होगा क्योंकि उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीस पढ़ी है कि माँ बाप राज़ी हैं तो रब राज़ी है, माँ बाप नाराज़ हैं तो रब भी नाराज़ हो जाएगा, तो उसको माँ बाप की रज़ा की फ़िक्र हो जाती है। तो कभी अपने बच्चों को दीनदारी से दूर ना करें। इतने बड़े बड़े उलमाए कराम, इतने बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, मैंने पहले भी ये वाक़या कई बार बयान किया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, आप करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं और वक्त के इमाम, उस जमाने में भी आपके इल्म का शोहरा था, आपकी वालदा जो थी वो किसी मस्जिद के इमाम साहब की बातें बड़ी शौक से सुनती थी। तो हुआ ये कि एक बार उनकी वालदा ने कहा कि जाओ काजी जरा से जो है ना वो मेरे लिए सवाल पूछ के आओ। इमाम आज़म खुद वक्त के इमाम हैं, वो आप कह सकते थे माँ तुम मुझे कह रही हो कि मैं एक मस्जिद के इमाम से मसला पूछ के आऊँ, मैं खुद सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ, लोग मेरे इतने बड़े बड़े तो मेरे शागिर्द हैं। मगर माँ का हुक्म था ना, माँ को ये नहीं कहा मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ को ये नहीं कहा मेरा मर्तबा बड़ा हो गया है, माँ का हुक्म था मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुँच गए। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं मेरी माँ ने ये मसला पूछा, हुजूर जवाब दीजिए। वो इमाम साहब कहते हैं हुजूर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप वक्त के इमाम हैं, आपको मैं जवाब दूंगा। कहा मेरी माँ ने तुमसे पूछने को कहा है। कहा अच्छा ऐसा करें जवाब आप लिख दें, दस्तखत मैं कर देता हूँ। जवाब इमाम आज़म ने लिखा, दस्तखत इमाम साहब ने किया, माँ को लेकर आए कि माँ ये जवाब दिया इमाम साहब ने। कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद माँ कहती है अब मैं खुद जाऊँगी सवाल पूछने के लिए। अब इमाम आज़म ने क्या किया, माँ से बहस नहीं की, माँ से लड़ाई नहीं की, मैं इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा इमाम, तुम चलकर वहाँ तक जाओगी, इतना सफ़र हम करेंगे, मुझसे मसला पूछ लो। अदब, देखो ये है फ़र्क, दीन में तरक्की की थी ना, तो अदब में भी तरक्की थी, तज़ीम में भी तरक्की थी। माँ को सवारी पर बिठाया और कूफा की गलियों में लोगों ने देखा कि वक्त का इमाम माँ की सवारी की रस्सी पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास मसला पूछने जा रहा है। हैं? आप अदब से बाहर खड़े हो गए मस्जिद के, माँ अंदर जाती है, मसला पूछती है, माँ वापस आती है, इमाम आज़म रस्सी पकड़कर वापस लेकर आते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से शानदार दर्स ये है, आज हमें कोई मालदार बन जाए, कोई जनाब अफसर बन जाए, कोई जनाब किसी इलाके का काउंसलर MNA MPA या वैसे ही मशहूर हो जाए, हैं दीनदार लोगों से भी बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे कुछ चाहने वाले बन गए, कुछ फॉलोअर बन गए, कभी अपने माँ बाप को ये मत कहना मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे से इस तरह बात ना करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ भी हो जाऊँ अपने माँ बाप का बच्चा ही हूँ। हाँ उनकी व्हीलचेयर चलाने का जो मज़ा है ना, उनके पैर दबाने का जो लुत्फ़ है और उनके लिए कोई खिदमत करने का जो लुत्फ़ है वो उठाया करो। अपने आप को बड़ा माँ बाप के सामने मत समझना, जिन्होंने अपने माँ बाप के आगे अपने आप को झुकाया, अपने माँ बाप की तज़ीम की, अल्लाह ने उनके नामों को बुलंद कर दिया। हाँ उधर ऊंचा सर करोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे,
उधर सर झुका दोगे, ताजीम करोगे, दुआ लग गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब, कितना बड़ा नाम है, बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। आपको पता है आपकी वालदा आपको क्या दुआ देती थी? उनका नाम सरदार था, कहा मेरे बेटे को अल्लाह दीन में सरदार बना दे। माँ की दुआ लगी, अब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बन गए। ये है माँ की दुआ का सिला। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और बड़े बड़े सहाबा, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज, अपने वालिदैन, सिर्फ वालिदैन नहीं, माँ बाप के जो दोस्त होते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाए ना तो फैमिली में, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब माँ बाप का इंतकाल हुआ अब माँ बाप के दोस्तों से रिश्तेदारों से रिश्ता ही ख़त्म। इधर वालदा का इंतकाल हुआ, ननियाल से रिश्ता ख़त्म। वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ददियाल से रिश्ता ख़त्म। चाचा को कोई नहीं पूछता, ताया को कोई नहीं पूछता, हैं। इधर इसी तरह अम्मी का इंतकाल हो गया, ननियाल को कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, जिन जिन का उनके साथ ताल्लुक था, उनकी रूह को अगर राज़ी करना है तो उनके जाने के बाद उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें। अब सुने, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर से मक्का मुकर्रमा में उनकी एक आराबी, एक देहाती से मुलाकात हुई। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उसको सलाम किया, जिस सवारी पर आप सवार थे उस बंदे को, उस आराबी को उस सवारी पर बिठा लिया और अपना इमामा उतार कर उसे दे दिया। अब बाकी साथी देख रहे हैं इतनी बड़ी शख्सियत और जनाब ये क्या कर रहे हैं गाँव गोठ के आदमी के साथ। तो हज़रत ये तो थोड़े से पैसों से, थोड़े से तोहफे से भी गांव वाले खुश हो जाते हैं, आपने इतनी मेहरबानी क्यों की? आपने फरमाया कि इसका बाप जो है ना, मेरे वालिद सैयदना उमर बिन खत्ताब, हज़रत उमर के बेटे थे ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, कहते इसका जो वालिद था ना, वो मेरे वालिद हज़रत उमर का दोस्त था। मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है कि बेहतर भलाइयों में से है कि बेटा अपने बाप को साथ मोहब्बत रखने वालों से भी सिला रहमी करे। यानी जो आपके वालिद के साथ अच्छा सलूक करे ना, अब वो चले गए वालिद साहब दुनिया से, अब उनके साथ अच्छा सलूक करे। आपको मालूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो सहेलियाँ थी ना, उनको भी तोहफे भिजवाया करते थे, हालांकि उनका विसाल हो गया था। ये सबक है हम सब के लिए। बाज़ औक़ात हमारे वालिद का बड़ा गहरा दोस्त हमारे सामने आ जाता है, अब अब्बू तो रहे नहीं, बंदा उसको घास ही नहीं डालता, अरे खड़े होकर हाथ चूमे उसका, ये आपके चचा की मानिंद है, इसकी इज्जत करोगे तो वालिद की रूह खुश हो जाएगी। अपने असली चचा की खिदमत करें, चचाजाद भाई बहनों का ख्याल रखें। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप आखिरत में तरक्की चाहते हो, माँ बाप की दुआएं ज़रूर लेना, ये दुआएं पार लगा देती हैं। सुनो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या था। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत अबू तुफैल रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा कि आप मकाम जहराना में, जो माशाल्लाह बड़ा उम्रा करने गए उनको पता है जगह, कि वहाँ वो गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। मैं उस वक्त छोटा था और ऊँट की हड्डी उठाए हुए था कि एक औरत सामने से आई, हत्ता कि वह नबी पाक के करीब पहुंची तो प्यारे आका ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी जिस पर वो बैठी। जब वो चली गई तो मैंने कहा ये कौन थी? सहाबा इकराम ने फरमाया ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालदा थी। हज़रत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये हलीमा सादिया थी। आका को दूध पिलाया था ना, नबी पाक ने याद रखा और जब वो आई तो अपनी चादर बिछाई, उनको सबके सामने ताज़ीम दी। अल्लाहु अकबर, लिखा है किताबों में कि नबी पाक के पास आई तो आका उनके लिए खड़े हो गए, उनकी ताज़ीम की, उनके साथ खुशखलकी से पेश आए, उनकी खातिर चादर बिछाई। अल्लाहु अकबर, ये कितना बड़ा अंदाज है नबी पाक का, सबक है हमारे लिए कि अगर बचपन में किसी ने मुझे खिलाया है, पिलाया है, साथ दिया है, सिर्फ माँ बाप नहीं, हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने बचपन में हमारे साथ भलाई की होती है, हमें सपोर्ट किया होता है, किसी ना किसी मौके पर बहुत सारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ भलाई की होगी, मगर हमें वो याद नहीं रहती। हमारी खाला है, हमारी फूफी है, हमारे खाला जान है, खालू हैं, यकीनन जहां जहां पर्दे के मामलात होंगे हम उन शरई तकाजों को तो ख्याल रखेंगे, मगर हुस्ने सलूक, खैर और आफियत पूछना, कभी कोई तोहफा भिजवा दिया, अल्लाह ने थोड़ा माल दिया तो अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया, ये शरीयत कहती है और ये कितना बड़ा कमाल की बात है। देखो माँ बाप की बात तो अपनी जगह, माँ बाप के रिश्तेदारों का मकाम क्या है, आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि हुजूर मुझसे गुनाह हो गया है, क्या मेरी जो है तौबा कबूल हो जाएगी? अब जरा गौर से सुनिएगा, हैं, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, मुझसे गुनाह हो गया है। अब नबी पाक ने उसके सवाल पे क्या कहा? यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाया क्या तेरी वालदा है? कहता हुजूर नहीं, वालदा का तो इंतकाल हो गया है। आए हाय, तो नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया तेरी खाला है? जी हुजूर, खाला जिंदा है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी खाला से हुस्ने सलूक करो। यार अगर ये समझ आ जाए ना बात, हमें माफ़ी गुनाहों की चाहिए, अल्लाह से माफ़ी चाहिए,
سلوک ماں سے اچھا کرو، ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اب آپ سوچیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا. مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہوں، بڑی مصروفیت ہے، دوستوں میں جا رہا ہوں، نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں، امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں. نہ کیا کرو ایسا، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے، مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی، پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی ہے. بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دیکھ کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں. تو آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یعنی تیرا خواب سچا ہے، کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی جو ہے اپنی ماں کے تلووں کو لگائی تھی. آئے ہائے ہائے، یہ اسی کی برکت ہے، یہ ہے ماں باپ، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہیں، اب تجھے اختیار ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں. اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، ہاں بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے، کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دیں نا، آئے ہائے واقعات تو اتنے دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ کیا ہے، میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. سنو ایک واقعہ، ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا. اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا، تھا بھی گناہگار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا، دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہیں. تو کسی نے کہا کہ تو تو بڑا گناہگار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نیک ہمیں نہیں پتہ، یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے. کہا میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا. میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. آئے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا. یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے. وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے. ہیں اشارہ کیا گیا کہ فلاں قصائی تیرا پڑوسی ہے. قصائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا، تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا. دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دکھ دور کر دے گی. سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا، ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں، وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی. امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے، ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عزوجل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. حضرت کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں. صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں. ایسے نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے. اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. اب یہاں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے،
मगर मज़लूम की दुआ, मज़लूम नॉर्मली अपने खिलाफ जुल्म होने वाले पर दुआ करता है। हाँ, कभी किसी पर जुल्म ना कर देना, अगर उसने हाथ उठा लिए ना तो फिर बर्बादी मुकद्दर है। बंदा बाज़ औक़ात कहता है यार मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा बड़ा पावर है, मेरे सामने कौन बोल सकता है, जो करना है कर लो, इस तरह भी कहते लोग। ये मत समझो कि वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पंजाब में मैं गया पिछले दिनों, एक जुमला सुना जिसको लर्जा आ गया उसके बाद। वो जो वो लोग कहते हैं मजबूत या ताकतवर आदमी से मत डरो, माड़े आदमी से डरो। माड़ा पंजाब में कहते हैं कमज़ोर आदमी से। मैंने पूछा यार ये क्यों कहते हैं, कहा जब कमज़ोर आदमी हाथ उठाता है ना तो ये दुआ अर्श तक जाती है। मजलूम जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, ये हदीस सुनाई ना मैंने आपको, कि इसकी दुआ नहीं रुकती, फिर कुदरत की तरफ से जब पकड़ आती है ना जालिम की तो वो बर्बाद हो जाता है। मैं आपको वैसे ज़िंदगी में एक मशवरा देता हूँ, कभी कभी आपको ऐसा फील हो ना कि यार कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, डिस्टर्ब हो रहा है, सेहत बिल्कुल ठीक थी, गड़बड़ हो रही है, फैमिली में सब मोहब्बतें थी, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होने लगे ना, तो चेक करना किसी की बद्दुआ तो नहीं ले ली है, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। ज़िंदगी में दिल ना तोड़ना, दुआएं लेने वाले बनना, हाय लेने वाले मत बनना, क्योंकि मजलूम ने अगर हाथ उठा लिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। एक और हदीस सुने, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीन दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में। हाँ, बाप की दुआ, यहाँ खास वालिद का जिक्र किया है। यहाँ मैं एक और मशवरा भी देना चाहूँगा, जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं ना, अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। हाँ, आपकी दुआ उनके लिए मकबूल है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारा बच्चा दिल दुखा देता है या बच्चा जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता, बात नहीं मानता, हम तो माँ बाप हैं ना। जब अल्लाह ने हमें ये मकाम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हदीस में ये मकाम अता कर दिया कि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है, तब अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह इसको नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मेरा भी फरमा बरदार कर दे, अपना भी फरमा बरदार कर दे, ताकि उस बच्चे का बेड़ा पार हो जाए। बदकिस्मती ये है कि बाज़ औक़ात कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हैं। अच्छा, बाद में परेशान भी खुद ही होते हैं, क्योंकि जब आप कह देंगे और कबूल हो गया तो फिर उसके बाद आप ही परेशान होंगे। अब एक वाकया सुनिएगा, दुआ की बात कंप्लीट हो गई, अब मैं कुछ आपको, माँ बाप अगर बद्दुआ दे दें तो उसमें क्या बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात गुनाहगार मकबूल बारगाह इलाही हो जाता है, वली बन जाता है माँ बाप की दुआ से, और अगर माँ बाप बद्दुआ दे दें तो अल्लाह की बारगाह का मकबूल या नेक बंदा जो है ना वो भी किस तरह फंस जाता है। जुरेज एक शख्सियत है, नहायत नेक और अल्लाह अज़्ज़ वजल का मकबूल बंदा था। कभी अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने प्यारों को भी आजमाइश में डालता है, जैसे जुरेज को आजमाइश में डाला। जुरेज की बारगाह इलाही में मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आपने दूध पीते बच्चे को हाथ लगाया, वो बोल उठा और आपके बेगुनाह होने की गवाही दी। ये तो आपकी रोशन करामत थी, लेकिन हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ था, ज़रा ये समझिएगा। ये हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूले में दूध पीते बच्चों में तीन लोगों ने कलाम किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर दो जुरेज के मुतालिक एक बच्चे ने कलाम किया। आका फरमाते हैं कि वो जुरेज कौन था, एक इबादत गुजार शख्स था, उसने एक इबादत गाह बनाई हुई थी जिसमें वो रहता था। एक दिन माँ उसके पास आई और उस वक्त वो नमाज पढ़ रहा था। माँ ने कहा ऐ जुरेज, नमाज के दौरान पुकारा तो आपने कहा कि एक तरफ मेरी माँ है एक तरफ नमाज है, मैं क्या करूँ। नमाज जारी रखी, माँ चली गई। दोबारा अगले दिन माँ आई, फिर नमाज पढ़ रहा था, माँ ने पुकारा ऐ जुरेज, पूछा एक सोचा एक तरफ तो अल्लाह की नमाज है, परवरदिगार की इबादत है, दूसरी तरफ माँ है। नमाज जारी रखी, माँ का दिल टूटा, माँ ने उसे बद्दुआ दी। माँ ने कहा कि ऐ अल्लाह इसको इस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी बुरी औरत का ये सामना ना कर ले। अब क्या हुआ, तो बनी इसराइल के लोग आपस में जुरेज की इबादत का बड़ा जिक्र करते थे। एक बद किरदार हसीन और जमील औरत जो बुरी औरत थी, उसने बनी इसराइल से कहा अगर तुम कहो तो मैं इसको अपने फितने में फंसा लेती हूँ। फिर वो औरत जुरेज के पास आई, जुरेज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो औरत उस चरवाहे के पास आई जो जुरेज की इबादत के पास ही रहता था। उस बदबख्त ने उस औरत के साथ गलत काम किया। अब इस औरत के यहाँ जब बच्चा हुआ तो ये जाकर इसने इल्ज़ाम लगाया कि ये बच्चा जुरेज का है। लोग जुरेज की इबादतगाह पर गए और उसको निकाला, मारना पीटना शुरू कर दिया कि तू तो बड़ी इबादत गुजार बनता था, ये तुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। अब जुरेज ने कहा मसला क्या है, कहा ये औरत कहती तूने गलत काम किया, ये बच्चा तेरा है।
जुरैद ने कहा पहले मुझे ठहरो नमाज पढ़ने दो। दो रकत नमाज पढ़ी और बच्चे के पास आया, उसके पेट में उंगली चुभोकर दरियाफ्त किया, है लड़के तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा ये चरवाहा मेरा बाप है। लोगों ने आगे बढ़कर अब जुरैद को बोसा दिया, माफ़ी मांगी, बोले हम आपको सोने की एक इबादत गाह तामीर कर देते हैं। जुरैद ने जवाब दिया नहीं, तुम दोबारा मिट्टी से ही तामीर कर दो, जैसे पहले मेरी इबादत गाह थी वैसा ही बना दो। नबी पाक ने वाक्या सुनाया, बातें सीखने को क्या मिली कि माँ का दिल दुखाया तो आजमाइश आई ना, जो माँ ने कहा ऐसा हुआ। ये तो ठीक है कि अल्लाह पाक ने उसको उस आजमाइश से निकाल दिया, लेकिन माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना है। हाँ, कितना ही तुम्हारा बड़ा मर्तबा हुआ ना, और माँ बाप नाराज़ हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसी तरह ज़मख़शरी, ये मोतज़िलियों का बड़ा बड़ा आलिम है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि उसकी टांग कट गई। तो लोगों के पूछने से कि कैसे हुआ, तो कहा ये मेरी माँ की बददुआ का नतीजा है। कब मामला क्या है, कब बचपन में एक चिड़िया मैंने पकड़ी थी और उसकी टांग डोरी से बांध दी, इत्तेफाक से वो मेरे हाथ से छूटकर दीवार में घुस गई। अब जब मैं उसे खींचता था तो जाहिर है उसकी टांग तो बाहर आ रही थी, चिड़िया नहीं आ रही थी, तो मैंने डोरी ज़ोर से पकड़कर खींची तो उसकी टांग ही बाहर आ गई, चिड़िया अंदर ही रह गई, टांग उसकी बाहर आ गई। मेरी माँ ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो बेसाख्ता मेरी माँ की ज़बान से निकला कि जिस तरह तुमने इसका पाँव काटा है, अल्लाह तेरा पाँव भी काटे। हालांकि वो उस ज़माने का आलिम था, वो कहता है बस मैं बुखारा के सफ़र पर गया इल्म सीखने, सफ़र के दौरान मैं गिर पड़ा, टांग पर शदीद चोट आई, टांग का ज़ख़म ऐसा बिगड़ा कि आखिर मुझे अपनी टांग कटवाना ही पड़ी। ये याद रखना, इमाम बुखारी की आँखें आ गई माँ की दुआ से, और ज़मख़शरी की टांग चली गई माँ की बददुआ से। ये समझना है, माँ बाप की दुआ एक कमाल का काम है, लेकिन कभी उनका दिल मत दुखाना। एक शख्स के बारे में आता कि माँ ने आवाज़ दी, उसने जवाब नहीं दिया, माँ ने कहा तू गूंगा हो जाए, तो वो गूंगा हो गया। अच्छा, यहाँ अब मैं वापस उसी पॉइंट की तरफ आऊँगा। हम माँ बाप, जो मुझे माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चों को मैं अलग समझा रहा हूँ, लेकिन माँ बाप से मेरी अर्ज़ ये कि कभी भी बच्चा दिल दुखाए ना, बद्दुआ मत देना। हैं, क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी ज़बान से निकले और वही काम आपके बेटे के साथ हो जाए। वो औरतें हमारी बहुत ज़्यादा, तुझे कीड़े पड़े हैं, तू बर्बाद हो जाए, तू खुश ना हो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी जब बच्चे को कुछ हो गया तो। तो बद्दुआ ना दें, और बच्चों से गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआ तुम्हारे सारे गम दूर कर देगी। लोग बाज़ुकात बहुत सारे लोगों के पास दुआ के लिए जाते हैं, अगर वाकई तुम्हारे पास माँ बाप है ना, अरे उन्हीं के कदमों में बैठ जाओ, उन्होंने हाथ उठा दिए, तूफ़ान टल जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब आखिर में मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बयान के अख्ताम में मैं उन लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ कि जिनके माँ बाप चले गए। अब मसला ये, माँ बाप तो चले गए, अब तो दुआ तो ले नहीं सकते, अब हम क्या ऐसा करें कि उनके जाने के बाद उनकी रूह हमसे खुश हो जाए, उनके जाने के बाद भी वो हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें माँ बाप के फरमा बरदारों में शामिल कर ले। तो उसका तरीका ये है कि हम पहले तो माँ बाप को खूब इसाले सवाब करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो कर सकते हैं वो माँ बाप के लिए मस्जिद बना दें। मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद में हिस्सा मिलाएँ, कुरान खानी, सदका जारिया के काम, दुआएँ, हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह रब करीम उसकी माँ बाप की रूह को इस बंदे से खुश कर दे, क्योंकि अगर बच्चा उन्हें याद करता रहेगा, उन्हें इसाले सवाब करता रहेगा। इसी तरह जिनके माँ बाप हयात हैं, उनके लिए भी बड़े प्यारे प्यारे आदाब किताब में लिखे कि उनसे दिल से मोहब्बत करें, उनको नाम से मत पुकारें, उनकी कुनियत से पुकारें जिसे वो पसंद करते हैं। अब जैसे आज के दौर में हम अम्मी जान, अब्बू जान कहते हैं, बाज़ लोग अपने माँ बाप को भी नाम से पुकार रहे होते हैं, उनसे पहले ना बैठें, उनके आगे ना चलें, हत्तल इम्कान उनके बराबर ना बैठें, अगर वो तशरीफ़ लाएँ तो उनके इस्तकबाल के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाएँ, उनको इज़्ज़त की जगह बिठाएँ, उनके लिए अपनी चादर बिछा दें, चेहरे की बशाशत और ख़ंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें, अपनी बात अहसन अंदाज में करें, अगर ना माने तो खामोश हो जाएं, ज़िद न करें, नाराज़ हुए बगैर उनकी बात कबूल करें, उनसे नरमी से बात करें। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बेटा जब बड़ा हो जाता है, बेटी बड़ी हो जाती है, तो सख्ती से माँ बाप से बात कर रहे हो, माँ बाप को डर लग रहा होता है, माँ बाप का दिल नहीं चाहता कोई बात करने को, या जब बात करता हूँ काटने को आते हैं, जब बात करता हूँ मुझे डांटते हैं, माँ बाप को कोई डांटता है? तूफ़ है उस औलाद पर कि जिससे बात करने में माँ बाप को डर लगता है। अरे माँ बाप से बंदा बात ऐसे करे जैसे गुलाम आका से बात कर रहा है। किसी अफसर के पास जाते तो कैसे जाते हैं, सर सर थोड़ा सा मेरा काम, थोड़ी फाइल पे साइन कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अच्छा ओके, नहीं नहीं अच्छा साहब, कोई बात नहीं मैं कल आ जाऊँगा। हैं, उससे नहीं कहते आप माना क्यों कर रहे हैं, कल क्यों बुला रहे हैं, नहीं मैं कल आ जाऊँगा, कोई सर आप नाराज ना हो। दुनिया के अफसर से ये अंदाज, और माँ बाप से क्यों मना कर रहे हैं,
क्यों रोक रहे मुझे जाने से, मेरी बात आप क्यों नहीं मान रहे? अरे तुम मां से इस तरह बात करोगे, वालिद से इस तरह बात होगी? किताबों में लिखा है बेटे पर हक है वालिद का इस तरीके से कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। मगर अफसोस यह है कि आज बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि बेटा बाप से रिक्वेस्ट करता, अबू जान प्लीज मेरी बात मान ले, मेरा यह काम कर दे, आपकी बड़ी बात नहीं। अच्छा, हो सकता है कि यह वालिद का एटीट्यूड किसी बेटे को अच्छा लगता हो, किसी माँ का ये अंदाज बेटी को अच्छा लगता हो कि मेरी माँ देखो कितना डरती है मुझसे। अरे तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद तुमसे डर के बात कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी औलाद हूं, मैं उनकी मिल्कियत हूं, वो मुझसे किस बात का डरेंगे? वो मुझे हुक्म फरमाए, वो अर्ज ना करें, वो ऑर्डर करें मुझे, वो हक है उनका। मगर आज अंदाज ही बदलता जा रहा है। और यकीन जानना, ये मकाफात अमल है। अगर आपने अपने माँ बाप का अदब नहीं किया ना, आप इसकी रिफ्लेक्शन अपनी औलाद में देखेंगे। हमने देखा है कि जो माँ बाप का अदब करते हैं उसकी औलाद भी उसका अदब करती है, और जो माँ बाप को सताते हैं बाद में आखिरत का अजाब तो अपनी जगह है, दुनिया में ही अपनी औलाद में बंदा ये देखता है। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से इज्तिमा में मैं यही अर्ज़ करने आया हूँ, कदर करो अपने माँ बाप की। माँ बाप की दुआ लेना, माँ बाप की बददुआ ना लेना। और चले गए अब उन्हें भूलना नहीं, और जो चले गए उन्हें भूलो मत, हर जुम्मे को जाएं कब्रिस्तान। अच्छा, मज़े की बात देखो, माँ बाप भी कमाल के लोग हैं। ज़िंदगी में माँ बाप की कोई मोहब्बत से ज़ियारत करे तो उसे हज का सवाब मिलता है ना। हाँ, रिवायतों में आता है जो कब्र की ज़ियारत करे उसे भी हज का सवाब मिलता है। जुम्मे को जाकर यासीन शरीफ पढ़े, अल्लाह पढ़ने वाले की मगफरत कर देता है। जो माँ बाप की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाए, जो वो खुद मर जाएगा तो उसके कब्र की फरिश्ते ज़ियारत को आएंगे। यानी कब्रिस्तान जाना तो मेरा ही फ़ायदा हो गया ना, मेरी मगफरत हो रही है, फरिश्ते मेरी ज़ियारत को आएंगे। तो माँ बाप कमाल है यार, रहमतों का मंबा है, जिंदा रहें तो भी करम उनकी मेहरबानियाँ हैं, और चले जाएँ तो कब्र पे जाओ तो फिर भी बेड़ा पार हो जाता है। तमाम लोग अपने माँ बाप की फिक्र करें, कदर करें, चले गए तो उनको खूब इसाले सवाब करें। मेरे आमाल